भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलीभगत करके हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन जी ने और अन्य नेताओं ने मेरा टिकट एन मौके पर काटा। सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटी मैटर फिट ऐप, चूज योर सर्विस, चूज योर टाइम एंड चूज योर लोकेशन। सेशन स्टार्ट एट जस्ट ₹99। देखिए, नगर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं 28 तारीख को, उसके लिए मैंने वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी की थी। 2015 में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तब भी मैंने वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ा था, परंतु कांग्रेस का बागी उम्मीदवार खड़ा हो जाने के कारण मैं मात्र 56 वोटों से उस चुनाव में पराजित हो गया था। मैं 35 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, 1991 से 1998 तक और 2012 से 2018 तक मैं कांग्रेस सेवादल अजमेर का जिलाध्यक्ष रहा और 1998 से 2012 तक सेवादल में 14 साल तक प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश संगठक के पद पर मैंने काम किया। दो बार कांग्रेस कमेटी अजमेर का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। 1995 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, मैं 331 वोटों से वो चुनाव जीता था और नगर निगम अजमेर में 1995 से 2000 तक पार्षद रहा। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष पद पर सहित कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ और चुनाव हारने के बाद भी लगातार मैं 5 साल तक अपने क्षेत्र से जुड़ा रहा। मुझे पूरा भरोसा था कि पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताएगी और मैं निश्चित रूप से यह सीट जीत कर लाऊंगा। सबसे पहले तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दगा किया। पिछले बार भी महेंद्र जी मित्तल जो उस वार्ड से टिकट ही नहीं लड़ना मांग रहे थे और न लड़ना चाह रहे थे, उनको जबरन उस वार्ड से समाज जाति के वोट काटने के हिसाब से लड़ाया। हालांकि मेरा ये मानना है कि कोई एक समाज या जाति के वोट से चुनाव नहीं जीतता। सब ठीक है, अपनी जाति का आशीर्वाद रहता है, परंतु सभी 36 कौमों का समर्थन आशीर्वाद होगा तभी कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीतता है। परंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 2015 के चुनाव में कार्ड खेला और इस बार भी जानबूझकर, क्योंकि मेरा टिकट लगभग फाइनल था, तो मेरा टिकट मेरे सामने हमारे ही समाज के सतीश जी बंसल को जबरन टिकट देकर और उनको मेरे वार्ड से चुनाव प्रत्याशी घोषित करवाया। उसके बाद मेरा सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष विजय जैन ने और अन्य नेताओं ने मिलकर जानबूझकर कल एन मौके पर मेरा पूरे सोशल मीडिया में सब जगह चल चुका था कि वार्ड नंबर 1 से शैलेंद्र अग्रवाल का टिकट फाइनल हो सकता है, परंतु मेरा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलीभगत करके हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन जी ने और अन्य नेताओं ने मेरा टिकट एन मौके पर काटा और हम 5 जने टिकट मांग रहे थे वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस से। अभी 3 दिन पहले जब पर्यवेक्षक यहाँ आए थे तो हमारे वार्ड कांग्रेस के अध्यक्ष हरिप्रसाद जी दिवाकर सहित सभी लोग कह के आ गए थे पार्टी पर्यवेक्षकों को, पार्टी अध्यक्ष को भी, कि बनवारी लाल जी ने पिछले चुनाव में बगावत की थी इसलिए उनके टिकट पर विचार नहीं, उनके नाम पर विचार नहीं होना चाहिए, बाकी हम 4 में से किसी को भी दे दो, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का ये पार्टी टिकट पे जो भी चुनाव लड़ेगा वो सीट जीत कर आएगा। परंतु पार्टी ने सबकी अनदेखी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलीभगत करके और मुझ जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता का टिकट काटा है। परंतु चूँकि मुझे पहले ही आभास था इसलिए मैंने निर्दलीय फार्म भरा और आज मैंने ताल ठोक दिया, क्योंकि फार्म टिकट बनवारी लाल जी शर्मा को मिला है तो मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस के नेताओं को दोनों को मालूम पड़ जाएगा कि कार्यकर्ता की अनदेखी का परिणाम क्या होता है। और मेरा ये भी चैलेंज है कि वैसे तो कांग्रेस का बोर्ड बनने वाला था जैसी नगर पालिकाओं में अब तक के परिणाम रहे हैं, परंतु हमने कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और न भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, अब बोर्ड बनेगा निर्दलीय का, क्योंकि कई जो पार्टी के चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो कई वफादार कार्यकर्ताओं के जो टिकट काटे हैं तो निश्चित रूप से इस चुनाव में निर्दलीय ज़्यादा जीत के आएंगे और निर्दलीयों का वोट बनेगा। कांग्रेस का अगर वोट बनता है तो क्या इस्तीफा? देखिए, जिस पार्टी ने मुझ पर कोई भरोसा नहीं किया तो मैं उस पर कैसे भरोसा करूंगा, मैं निर्दलीय के रूप में तटस्थ रहकर अपना काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी से ऐसा कुछ भी नहीं, अभी ये काल्पनिक बात है, अभी चुनाव हो जाए 28 तारीख को 31 को परिणाम आ जाए उसके बाद में सोचेंगे, लेकिन जैसा मेरे वार्ड की जनता आदेश करेगी, मेरे वार्ड की जो विभिन्न विकास समितियां हैं उनका जो आदेश होगा मैं उसकी पालना करूंगा।